हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग जो CBSE जो सैम्पल पेपर था उसका एक सीरीज़ हम लोग रन कर रहे थे। तो जो हम लोग का फर्स्ट वीडियो था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस था उसको सॉल्व कर लिया। एंड जो हम लोग का फर्स्ट जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग जो जो फर्स्ट वीडियो को जो नहीं देखा है तो आप लोग क्या करिए, जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से जाके आप लोग जो फर्स्ट वीडियो का है लिंक है उसमें जाके हम लोग का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किया था। एंड उसके साथ हम लोगों ने क्या देखा कि जो उन लोगों का गाइडलाइंस है, मतलब एग्जाम में कौन सा रूल्स है, क्या क्या पार्ट होता है, तो उसका बारे में हम लोग जो जनरल इंस्ट्रक्शन था उसको हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो देखिए यहाँ पे की पॉइंट जो होता है उसमें है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा अभी कौन सा हॉर्मोन सिक्रेट करे उसका बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस भी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस का तरफ देखते हैं तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। एंड उसमें देखिए कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करना है, ABCD इसमें कौन सा वाला कॉम्बिनेशन करेक्ट है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं कि द प्लेसेंटा सिक्रेट्स रिलैक्सिन हार्मोन ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो एकदम सही वाला स्टेटमेंट है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, करेक्ट करके रखते हैं। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि द प्लेसेंटा सिक्रेट्स हाई अमाउंट ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये तो गलत है, तो ये नहीं होगा, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें देखिए प्लेसेंटा सिक्रेट्स रिलैक्सिंग हार्मोन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एंड जो थर्ड वाला स्टेटमेंट वो दोनों क्या है, कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो लास्ट जो ऑप्शंस है हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं कि जो प्लेसेंटा होते हैं सिक्रेट्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्रोलेक्टिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये भी सही है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये जो 1 और 4 ये दोनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पे है देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कौन सा वाला, फर्स्ट एंड जो फोर्थ वाला। तो हम लोग का जो ए ऑप्शन है देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट एंड फोर्थ है। सो डेट्स वाई आवर जो करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए। तो क्लियर है ना आप लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इसको मैंने क्या करके रखा, दो स्लाइड में उसको भाग करके रखा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड एंड दिस इज़ द सेकेंड स्लाइड। तो दो स्लाइड मिला के हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो देखिए क्या है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक फिगर दिया है जिसका नाम ए बोल के दिया है। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखते हैं क्या है, द फिगर ए शोज द फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फिगर बी शोज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज ह्यूमन एग। तो फिगर बी जो सेकेंड पेज में है हम लोग का। तो फर्स्ट फिगर ए को देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग किस में शिफ्ट करेंगे, फिगर बी। तो अभी मुझे बताइए जो जेड है, जेड ये एक्चुअली क्या है। तो ये जो जेड है इसको हम लोगों को लिखना है कि क्या होता है। तो देखिए दिस इज नथिंग बट क्या होता है, ये जो जेड रीजन होता है दिस इज ओवरी। तो ओवरी एंड उसके बाद क्या होगा, इसमें इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्प्यूलरी इस्सेमिक। यहाँ पे ये देखिए वाई जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्यूलरी इस्सेमिक जंक्शन। तो एम्प्यूलरी इस्सेमिक जंक्शन में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूलरी इस्सेमिक जंक्शन। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है तो उसमें दिया था कि एम्प्यूलरी इस्सेमिक जंक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल के मिथ। तो ये इसको याद रखना। एंड ये जो जेड वाला रीजन है इसमें क्या होता है, ओवरी। तो ये जो ओवरी होता है ये लोग क्या रिलीज करते हैं, जनरली एग या ओवम, वो भी क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड। तो यहाँ से वो लोग रिलीज होके क्या करेगा, जो
एम्प्यूला एंड इसमिक जो जंक्शन है यहाँ पे पहुँचेगा। एंड पहुँचने के बाद क्या होता है, जो मेल गेमिट जो यहाँ से फ्लो करके जाएगा वो इस रीजन में जाके वो लोग फ्यूज होगा एंड वो लोग फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये लोग जायगोट में डेवलप होगा एंड जायगोट में वो लोग जायगोट के बाद डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। उसके बाद वो लोग किस में कन्वर्ट होगा, वो लोग जो मोड्यूला होगा, उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट ऐसे करके वो लोग फॉर्म होगा। तो ऐसे करके मोड्यूला होके उसके बाद ये जो एक्स वाला पोजिशन है ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या होता है, इम्प्लांटेशन इज इंडेड। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन जो होगा कब होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है, तो जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तभी वो लोग क्या करेगा, इम्प्लांटेशन शो करेगा। तो अभी क्या याद रखना है कि ये हो गया अनफर्टिलाइज्ड एग, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है वाई में फर्टिलाइजेशन, एंड एक्स में क्या होता है एक ब्लास्टोसिस्ट जो होता है एंड वो क्या होगा इस रीजन में जाके इम्प्लांट होगा। तो बी पोर्शन देखते हैं। तो बी पोर्शन में देखिए कि यहाँ पे दिया है कि अनफर्टिलाइज्ड एग ओसाइट, तो यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एक है, उसके बाद वो आके आके क्या होगा कि जो एक फर्टिलाइज्ड एग बना, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो स्पर्म आके इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। तो अभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, वो लोग डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट करेगा। तो डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट जब वो करेगा तो उसके बाद वो लोग एज सेल स्टेज में वो लोग क्या बनेगा, मॉड्यूलर। तो मॉड्यूलर के बाद 5 डेज के बाद देखिए वो लोग क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो हम लोगों ने जैसा जो फर्स्ट वाला डायग्राम में देखा था तो उसी को हम लोग देख के क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये लोग एक्चुअली हम लोगों को क्या पूछ रहे हैं। ओके, तो देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इन द फिगर बी दैट टेक्स प्लेस एट साइट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, ओके, इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे एंड ऑप्शन से हम लोग जो करेक्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है ना उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग किससे स्टार्ट किया था, हम लोग जेड से स्टार्ट किया था, इजंट इट। तो जेड को देखते हैं पहले। तो जेड में हम लोगों ने क्या देखा था, देखो यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग देखा था, इजंट इट, फर्स्ट में। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, जो वाई देखते हैं, तो वाई में हम लोगों ने क्या देखा था, फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें क्या होगा, जो एग होगा वो फर्टिलाइज होगा। तो ये क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग। एंड लास्टली हम लोगों ने क्या देखा था, जो देखिए यहाँ पे जो एक्स रीजन होता है इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, जो ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि वो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसमें क्या देखिए ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। तो दैट्स व्हाई अभी हम लोग का करेक्ट वाला जो आंसर होगा वो होगा सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो दोनों जो क्वेश्चन था, जो सिक्स वाला था उसके बाद 7, ये कहाँ से था, जो हम लोग का थर्ड वाला चैप्टर जो था, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन था। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन से उठा के दिया है। तो इसलिए क्या करना, आप लोग एनसीईआरटी बुक को बहुत ही थोरोली उसको रीड करना, एंड डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। ओके, तो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते क्या है। द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय, तो उसमें क्या दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ए फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी, तो जनरली ये नहीं होता है। उसके बाद स्टेटमेंट बी देखते हैं कि कॉम्प्लीशन ऑफ द मियोसिस 2, तो यही हम लोग का क्या होता है, करेक्ट वाला स्टेटमेंट होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें सी है, सी भी नहीं होगा, फर्स्ट मियोसिस। उसके बाद दिया है कि डिसोल्यूशन ऑफ जोना पेलुसिडा, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, इसको भी हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके देन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ये जो थर्ड वाला चैप्टर है उससे ही लिया है, एंड बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है, हॉर्मोन रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, तो देखिए, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ हॉर्मोन सिक्रेशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज, तो जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है तो उसमें जो हार्मोन क्या होता है, सिक्रीट होता है, तो हार्मोन का बहुत ही एक ग्रेटर वाला रोल होता है। तो अभी हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे कौन सा हार्मोन पहले रिलीज होता है एंड उसके बाद कौन सा लास्ट में रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ पहले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, सेकेंड में रिलीज नहीं होते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में क्या है, एस्ट्रोजन दिया है, ये भी एस्ट्रोजन तो पहले रिलीज नहीं होते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे कि थर्ड वाला ऑप्शन में क्या होता है,
तो थर्ड वाला ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कहते हैं, जो फॉलिकल्स होता है, फॉलिकल्स का जो ग्रोथ होता है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। देन एस्ट्रोजन हो गया, तो एस्ट्रोजन का भी फंक्शन होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको अच्छे से रेगुलेट करते हैं। एंड जो लास्टली जो होता है प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन को पता है, प्रोजेस्टेरोन जो ल्यूटियल फेज में वो ज़्यादा से सिक्रेट होता है। एंड सिक्रेट होने के बाद क्या होता है, जनरली ये जो यूटेरस का जो वाल होता है, जनरली जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसको इम्प्लांटेशन के लिए वो लोग क्या करता है, रेडी करता है। तो डेट मीन्स जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगा वो थिक हो जाएगा, हाँ, तो बिकॉज उसमें क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन होने का चांसेस है। एंड मेंस्ट्रुएशन कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का डिप्लीशन होता है। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज सी। एंड अभी क्या होता है, हम लोग तो क्वेश्चंस कर रहे हैं नो डाउट, तो उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और लेके आएंगे। एंड क्या होता है कि आप लोगों का अगर यहाँ पे कुछ डाउट होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग का जो डाउट है, डाउट का बारे में हम लोग को जानने दीजिए। एंड कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरीज होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तो देखिए 10th वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा लंबा जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखिए मैं फिर से बोल के रखा हूँ आप लोगों को कि जो टेबल है एंड जो डायग्राम है डीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इसमें देखते हैं, पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग जो इसमें टेबल है, टेबल को हम लोग सॉल्व करेंगे। टेबल में क्या है, देखिए, इन द डायोसियस एक्वेटिक प्लांट शोन आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल फ्लावर दैट रीचेस द फीमेल फ्लावर फॉर पोलिनेशन। तो एक्वेटिक प्लांट में वो लोग का जो पोलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। ओके, दीज आर एबायोटिक फैक्टर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है एक्चुअली, एंड टेबल के साथ हम लोग रिलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि स्टेमिनेट फ्लावर, दैट मीन्स दीज आर जो यहाँ से क्या होगा, ये लोग मेल जो गेमिट होता है या जो पोलन होता है उसको रिलीज करेगा। तो ये सब क्या होता है, मेल फ्लावर्स है, तो ये लोग देखिए ये लोग क्या रिलीज करेगा, जो पोलन क्या होता है रिलीज करते हैं। एंड जो पिस्टिलेट होता है, दैट मीन्स पिस्टिलेट मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें क्या होगा कि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी होता है। एंड जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा में क्या होता है, जनरली जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है बोल सकते हैं। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये तो हम लोग को पता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि जो मेल फ्लावर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, एटलीस्ट वो लोग क्या होता है मेल फ्लावर्स। ओके, तो देखिए, तो इसमें जनरली क्या होता है, इन इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ कि एक्वेटिक प्लांट, तो एक्वेटिक प्लांट क्या होता है, वो लोग तो एबायोटिक फैक्टर से पोलिनेट होते हैं, सो डेट्स वाई उन लोगों का क्या होता है, फ्लावर जनरली स्मॉल होते हैं। उसके बाद जनरली वो लोग या तो कलरलेस होता है, नहीं तो वाइट इन कलर होता है, क्योंकि उन लोग को जो बीज होता है, बटरफ्लाई होता है, डेट मीन जो बायोटिक फैक्टर है उन लोग को अट्रैक्ट नहीं करने से भी उन लोग को हो जाएगा, इज़न्ट इट। तो इसलिए क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एंड जनरली क्या होता है, ये जो एनसीईआरटी बुक में है ऑलरेडी पूरा अच्छे से डिटेल में वहाँ पे दिया है कि ये जो इन लोगों का जो पोलन ग्रेन्स होता है ना, तो पोलन ग्रेन्स जनरली क्या होता है, ड्राई होता है सभी फ्लावर्स में, इज़न्ट इट। तो ड्राई होने के कारण वो लोग क्या कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, उससे वो लोग क्या करेगा, मेल जो गैमिट होता है वो लोग रिलीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लोग पानी में पोलन ग्रेन्स रिलीज करेगा, तो उसमें क्या एक चांसेस है कि जो उन लोगों का जो पोलन ग्रेन्स होता है वो लोग भीग जाने का चांसेस है ना, जिसको वेटिंग बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इन लोगों का ऊपर में एक म्यूसिलेजिनस क्या होता है, लेयर होता है। तो उसका बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन। तो पहले क्या देखा कि हम लोग जो इन लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, स्मॉल होता है। तो स्मॉल देखिए, ऑप्शन ए में स्मॉल बोल के है एंड ऑप्शन सी में क्या है, स्मॉल बोल के है। ऑप्शन बी में देखते हैं, दैट इज इसमें क्या है कि द साइज ऑफ द फ्लावर स्मॉल ही होता है। ओके, देन कलर ऑफ फ्लावर, तो जनरली क्या होता है, ये लोग आइडर कलरलेस होगा, नहीं तो वाइट इन कलर होगा। तो देखते हैं कहाँ पे है, तो ये जो ब्राइटली कलर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने बोल के रखा था ना, एलिमिनेशन मेथड भी होता है, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो अभी देखिए, इन लोगों का एक ऑप्शन रहेगा वाइट इन कलर, हाँ ये तो सही जा रहा है यहाँ तक। जो थर्ड ऑप्शन जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन का अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है देखिए, तो वो लोग स्मॉल होता है, या वो लोग स्मॉल होता है। उसके बाद कवर्ड विथ म्यूसिलेज, तो म्यूसिलेज से कवर्ड इसलिए रहता है क्योंकि पानी में वो लोग जो भीग ना जाए, एंड भीग जाने से क्या होता है, उन लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो खराब होने का चांसेस है ना, सो डेट्स वाई
जो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट वाला आंसर होगा कौन सा वाला होगा, ये सी वाला। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का तरफ शिफ्ट करेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। तो ये जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये था हम लोग का सेकेंड वाला चैप्टर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो दूसरा वाला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का सेकेंड वाला चैप्टर से आप लोगों के लिए लाया है। ओके तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन देखिए, द थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन। तो जनरली क्या होता है, जो ओवेरी से हम लोग को क्या पता है कि जो ओवेरी होता है, ओवेरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। एंड जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से जनरली क्या बनता है, सीड होता है। एंड ओवेरी के नीचे में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलेमस। तो थैलेमस से क्या होता है, थैलेमस से अभी बोल रहे कौन सा ऑप्शन में क्या होता है, जो जो फ्रूट दिया हो ना वो कौन सा थैलेमस से डेवलप होता है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन है बनाना। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके तो इसमें देखा है बनाना, तो बनाना क्या होता है, करेक्ट आंसर नहीं होता है, क्योंकि बनाना क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। ओके तो बनाना क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, दैट मीन्स ये विदाउट फर्टिलेशन भी फॉर्म हो सकता है। उसके बाद जो ऑरेंज है ये नहीं होता है। उसके बाद करेक्ट आंसर जो क्या होता है, स्ट्रॉबेरी होगा। तो स्ट्रॉबेरी होता है, उसके बाद जो एप्पल होता है ये भी किससे बनता है, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद जो एप्पल होता है ये लोग क्या होता है, जो थैलेमस से फॉर्म होता है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बोल के रखा कि जो ओवेरी से जो फ्रूट डेवलप होके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट। एंड जो थैलेमस से जो फॉर्म होके आता है लाइक एप्पल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। तो क्लियर है आप लोगों को। ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। देखें तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है एक्चुअली यहाँ पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमिट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ द जीनोटाइप ऑफ ए पेरेंट इज कैपिटल ए स्मॉल ए देन कैपिटल बी कैपिटल बी। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, बहुत ही संभाल के अच्छे से करना होगा। ओके तो ये फिफ्थ वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसका क्या नाम था बोलिए आप लोग। तो इसका जो नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें हम लोग जेनेटिक्स, जो जीन्स होता है, उसके बाद मेंडल्स के बारे में पढ़ा था इज़न्ट इट। तो उसमें अभी हम लोग देखेंगे कि इन लोगों का जो गैमेट होता है क्या होता है। तो क्या दिया है कि जो पेरेंट में क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो इसमें जनरली क्या क्या गैमेट हो सकता है, एक तो हो गया है कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है, जो फर्स्ट जो एक गैमेट फॉर्म होगा। दूसरा वाला जो गैमेट है क्या हो सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी, और तो दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें बी एंड बी है, इसमें सिर्फ कैपिटल है एंड स्मॉल बी है। तो हम लोगों का जो करेक्ट वाला आंसर होगा कौन सा होगा, डेफिनेटली बी, डेट इज टू टाइप्स ऑफ गैमेट इट कैन प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ हम लोग शिफ्ट होते हैं। तो और हम लोग दो तीन क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं। तो मूविंग टू द 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स पैरेललिज्म इन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो ये भी फिफ्थ वाला चैप्टर से है। एंड अभी देखिए फिफ्थ वाला चैप्टर में जब एक मिडिल पोर्शन में हम लोग को मिला था कि एक टेबल था, तो टेबल में एक्स एंड वाई बोल के कॉलम में दिया था। एंड लास्ट में एंड टेबल का अंदर में क्या था, उसमें 3 or 4 स्टेटमेंट्स था। एंड वो स्टेटमेंट्स क्या था, ऑलमोस्ट सेम ही था। एंड लास्टली हम लोगों को बुक में दिया था कि आप लोगों को सिलेक्ट करना है एक्स एंड वाई में कौन सा वाला कॉलम जीन का है एंड कौन सा वाला क्रोमोजोम का। तो जनरली क्या होता है, जीन्स एंड क्रोमोजोम्स ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, वो लोग पैरेललिज्म शो करते हैं। लेकिन एक पोर्शन में वो लोग क्या करते हैं, पैरेललिज्म शो नहीं करते हैं। तो कौन सा पोर्शन में शो नहीं करते हैं, उसी का बारे में यहाँ पे है। तो देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, डे ऑकर इन पेयर, या डेफिनेटली बोथ दे ऑकर इन पेयर्स। नेक्स्ट सेकेंड वाला है, दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ओके तो वो भी क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन का टाइम वो लोग क्या होता है, सेग्रीगेशन शो करते हैं। एंड देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इसमें क्या है कि दे शो लिंकेज,
लिंकेज कौन शो करता है एंड कौन नहीं शो करता है उसका बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो जनरली जो जीन होता है जीन क्या करता है, जो जीन होता है जीन क्या करेगा, लिंकेज शो करता है। लेकिन जो क्रोमोजोम होता है वो लिंकेज क्या नहीं करेगा, लिंकेज शो नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो ये भी एक करेक्ट वाला स्टेटमेंट है, तो ये भी वो टेबल में था। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, अभी वीडियो का एंड में आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार जाके टेबल को भी अच्छे से एक बार देख सकते हैं। तो अभी कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया हम लोग का, वन, उसके बाद सेकेंड एंड लास्ट में जाके फोर्थ। तो किस में है, डी में होगा, वन सेकेंड एंड फोर्थ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं कि 14 वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिकल सेल एनीमिया। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, कौन किसको सब्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि हम लोग के पास 20 to 22 एमिनो एसिड्स हैं, तो उसमें कौन किसको सब्स्टिट्यूट करता है वो हम लोग को अभी देखना है। तो इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर रिलेटेड जो जितना भी डिजीज़ है, मेंडेलियन डिजीज़ एंड क्रोमोसोमल डिजीज़, उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ से श्योर शॉट है कि क्वेश्चंस आएगा। तो उसको जितना भी अच्छे से होके रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम एकदम नज़दीक में आ रहे हैं ना, तो अच्छे से उसको देखिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वेलिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्लूटामिक एसिड एट द अल्फा ग्लोबिन चेन। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वेलिन नहीं था एंड वो अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं था, एंड सिक्स पोजीशन ये याद रखना, सिक्स पोजीशन से ये। नेक्स्ट देखिए बी वाला, वेलिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्लूटामिक एसिड एट द बीटा ग्लोबिन चेन एट सेवन पोजीशन, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सी देखिए, द ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन एट अल्फा ग्लोबिन, ये गलत है, एट सिक्स पोजीशन, ये सही नहीं है। तो एक ही स्टेटमेंट बच गया डी, उसको भी पढ़ के देखते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन, हाँ ग्लूटामिक एसिड जो था उसको कौन सब्स्टिट्यूट करता है, वेलिन एट अल्फा ग्लोबिन, सॉरी एट बीटा ग्लोबिन चेन एट द सिक्स पोजिशन। तो देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्या आप लोगों को याद रखना है। देखिए, ग्लूटामिक एसिड हम लोगों ने देखा था ना कि जो सिक्स वाला पोजिशन में उसमें क्या था, GAG था, इन लोगों का कोडन, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन। तो वेलिन का जो क्या बोलते हैं, जो कोडन था क्या होता है, वेलिन को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, GUG। एंड सिक्स वाला जो पोजिशन में क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन जो उन लोगों का चेन होता है, ये लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक सिकल सेल एनीमिया होता है। तो जनरली RBC का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो RBC का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिकल शेप्ड होता है। तो देखिए ये सिकल शेप, एंड जो सिकल सेल एनीमिया होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो देखिए, सिर्फ ये पॉइंट में क्या हुआ, इन लोगों का एक जो बेस पेयर है उसमें क्या हुआ, चेंजेस होने का कारण क्या हो गया, देखिए इतना एक ड्रास्टिक उन लोगों का फिनोटाइपिकल चेंज आ गया। ओके, तो ये इसका क्या होगा, 14 का जो डी होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, तो आप लोग देखिए अच्छे से। ओके, तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो इन लोग का ऑप्शंस होता है उसका तरफ देखेंगे। तो देखिए, इन ह्यूमन बींग्स वेयर ए जीनोटाइप AABBCC रिप्रेजेंट द डार्क स्किन कलर एंड स्मॉल ए बी बी सी सी क्या करता है, रिप्रेजेंट लाइट स्किन कलर एंड कैपिटल A स्मॉल A कैपिटल B स्मॉल B कैपिटल C स्मॉल C क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरमीडिएट जो स्किन का जो कलर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन बी टर्म्ड एज। तो जनरली क्या था, ये जो देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे जीन है, हम लोग का जो स्किन कलर इन ह्यूमन, तीन जीन का कारण रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन कौन सा जीन, A, B एंड C। तो A, B, C ये लोग क्या होते हैं, डोमिनेंट। तो देखिए, तो यहाँ पे जो A, B, C जो होता है,
ये लोग डोमिनेंट होता है, इसलिए वो लोग क्या करेगा, डार्क स्किन कलर क्या करेगा, शो करते हैं. एंड जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये लोग क्या होते हैं, रेसिसिव. ये लोग क्या होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये लोग क्या होता है, रेसिसिव. तो रेसिसिव होने के कारण क्या करेगा, ये लोग लाइट स्किन कलर क्या करेगा, शो करेगा. लेकिन क्या होता है, इन लोगों में इंटरमीडिएट कलर भी शो कर सकता है, दैट इज इंटरमीडिएट जो स्किन कलर होता है. तो उसमें क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी. तो देखिए इसमें क्या है, मल्टीपल जीन्स क्या करता है, एक जो सिंगल जो ट्रेट होता है, सिंगल ट्रेट और जो सिंगल फिनोटाइप को क्या करता है, फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो सिंगल जो फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इजंट इट. तो अभी इसका स्टेटमेंट्स देखेंगे कौन सा होता है. एंड आप लोग को पता है ना, जो एक हम लोग का बॉडी में पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है हम लोग का बॉडी में, उसका नाम क्या होता है, मेलानिन. तो मेलानिन पिगमेंट जितना क्वांटिटी में रिलीज होगा, उतना ही हम लोग का जो स्किन कलर होता है, जो स्किन टोन होता है, वो क्या होगा, डार्क होता जाएगा. तो अभी इन लोगों में से हम लोग करेक्ट वाला स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं. तो देखिए फर्स्ट वन इज प्लियोट्रोपी एंड कोडोमिनेंस. तो इसको हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. देन है प्लियोट्रोपी एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो ये भी नहीं, मैच नहीं कर रहा इसके साथ. ओके, सी वाला देखिए, पॉलीजेनिक एंड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस. तो पॉलीजेनिक तो ठीक ही है, लेकिन ये क्वालिटेटिव नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना मेलानिन के बारे में. तो देखिए डी वाला ऑप्शन में क्या दिया है, कि दिस इज पॉलीजेनेटिक, या पॉलीजेनेटिक क्योंकि मल्टीपल जीन्स हैं. एंड दिस इज क्वांटिटेटिव, या डेफिनेटली दिस इज क्वांटिटेटिव, बिकॉज मेलानिन जो पिगमेंट है, जितना ज़्यादा वो लोग सिक्रीट करेगा, उतना ही क्या होता है, जो स्किन का जो कलर होता है, स्किन का जो टोन होता है, वो क्या होगा, डार्कर होता रहेगा. तो डेट्स वाई द डी इज द करेक्ट आंसर. तो हम लोगों ने आज कितना क्वेश्चंस कर लिया, 10 क्वेश्चंस कर लिया. तो इसमें अगर कुछ भी आप लोग का डाउट होता रहता है, या कुछ टॉपिक होता है कि आप लोग का ऐसा होता है कि अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप लोग क्या कीजिए, हम लोग का कमेंट सेक्शन में हम लोग को ज़रूर बताइए, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, और भी अच्छा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे. तो आप लोग तब तक क्या कीजिए, हम लोग का जो चैनल है, इसको आप लोग क्या कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एंड जो जो लोग हम लोग का वीडियो देख के उन लोग को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए. एंड आप लोग का जो व्यूज़ है, जो ओपिनियंस है, एंड जो डाउट्स है, वो हम लोग का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग लिख सकते हैं. एंड जो इसका जो फर्स्ट वाला जो वीडियो था, तो वो हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. ओके, तब तो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके. ओके, थैंक यू.